ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अभी आप यहाँ बैठे हैं, आप बैठे बैठे मैं आपको एक याद दिलाता हूँ। आपके घर के रसोई घर किचन में चीनी की डब्बा, शुगर की डब्बा कहाँ है? ऐसे आप सोचते ही आपको वो एक फोटोग्राफी सामने आता है, नहीं आता है? आता है या नहीं आता है? आ जाता है ना। आपके ऑफिस का टेबल याद करो, आपके रूम के कमरे को याद करो, आपके फेवरेट कोई साड़ी को याद करो, आपके फेवरेट कोई चीज याद करो, तो वो आपके सामने आ जाता है। आप इधर ही हैं, लेकिन वो फोटो कौन खींच के आया? वो फोटो कौन खींच के आया? उसको कहते चित्त। उसके प्रति सोचने का काम कौन किया? मन। मन सोचने का काम किया, चित्त उसको फोटोग्राफी को खींचा। तो चित्त दो बातों में भटकता रहता है, चाहे तो विनाशी स्वरूप नहीं तो अविनाशी स्वरूप। चित्त किस बातों में भटकता है? विनाशी स्वरूप में भटकता है या अविनाशी स्वरूप में भटकता है। अभी आपको मैं क्लियर अंडरस्टैंडिंग कराता हूं। हमारा आत्मा का डिग्री कहाँ है वो आपको दिखा देता हूं। सभी ध्यान से देखिए, सभी बोलो, हम कौन से आत्मा है? कौन से आत्मा है? केवल आत्मा है या शुद्ध आत्मा है? क्यों शुद्ध है? क्यों शुद्ध है? मूल को कोई भी बात उसको नहीं टच होता है। देखो अभी ये प्रकृति जो है, आपको स्टेज बताता हूं, आत्मा का डिग्री कहा है बताता हूं। ये प्रकृति जो है ये पांच तत्वों से बनते है ना। इसको क्या कहते हैं? फाइव ऑर्गन्स, इंद्रिया। पहला स्टेज होता है इंद्रिया। इंद्रियों के ऊपर कौन है? जो इंद्रियों को समझता है वो कौन है? मन। ये मन जब कोई भी विचार करता है उसको साथी होने वाला कौन है? पहला चित्त। ये दोनों के कनेक्शन में दूसरा प्रकट होता है वो है बुद्धि, जो डिसाइड करता है। पहला होता है इंद्रिया, इंद्रियों का समझने वाला कौन है? मन। कैसे कहते हैं वो भी आपको बोलते हैं। आप रात को नींद कर रहे हैं, बहुत गहरा नींद, कोई आकर के आपके मुंह में चीनी डाला, शक्कर डाला, क्या आपको उसका टेस्ट आता है? आता है नहीं आता है? तुरंत आपके मन उसका आंसर देता है नहीं आप देता है? ये तो शक्कर है, ये आंसर देता है नहीं? तो वो शक्कर का मिठास कौन अनुभव किया? आत्मा अनुभव किया, आत्मा अनुभव किया, जीव अनुभव किया, जीव अनुभव किया। कईयों को इस जीव के ऊपर जो टेस्ट बड्स होते हैं ना वो मर जाता है, वो क्या खाए तो भी उसको टेस्ट नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आत्मा का टेस्ट है, वो जीव का स्वाद, जीव का स्वाद। अभी इस स्वाद जो अनुभव करता है जीव, वो कौन है? वो जीव का स्वाद करेक्टली उसको जान करके ये संकल्प आता है ये तो शक्कर डाला है। ये शक्कर आप सर का विचार करता है वो कौन करता है? मन। तो इंद्रियों का राजा कौन बना? इंद्रियों का ऊपर कौन बना? मन। वो मन में विचार आते ही, मन में विचार आते ही शक्कर, वो शक्कर का फोटो सामने आता है नहीं आता है? तो मन का विचार करने का धर्म है, तो चित्त का कौन सा धर्म हुआ? देखने का, देखने का। और ये मन और चित्त दोनों भी एक तरह कनेक्ट हो गया तो दूसरा एक आ जाता है वो डिसाइड करता है वो है बुद्धि। मन आता है, चित्त आता है, बुद्धि आता है। ये बुद्धि से ऊपर दूसरा एक है, सभी समझो, सब इस तरफ ध्यान दीजिए। थोड़ा भी आप डिस्कनेक्ट हुआ तो आपको आत्मा का पावर कहाँ है वो पता नहीं चलता। दूसरा होता है
मानने वाला या सिग्नेचर करता है, जो जो बुद्धि कहता है उस सबको सिग्नेचर करने वाला एक होता है, वो होता है अहंकार। जैसे गवर्नमेंट में क्या होता है, मिनिस्टर्स होता है, फिर प्राइम मिनिस्टर होता है, फिर प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट क्या करता है, जो भी प्राइम मिनिस्टर उनके पास लेके जाता है उसका क्या करता है, सिग्नेचर करता है, फिर ही कार्य सब चालन होता है। ऐसे ही यहाँ क्या होता है, एक इंद्रिया जो है, एक इंद्रिया प्रकृति से कनेक्टेड है, ये मन और चित्त जो है वो वोटर्स जैसा है, जो चुनाव में चुनते हैं ना, इलेक्शन में वोटर्स, ये दोनों किसको चुनता है, मिनिस्टर। इधर मिनिस्टर कौन है, बुद्धि। एक बुद्धि मिनिस्टर है, वो कुछ भी कार्य कराने के पहले वो प्रेसिडेंट से है ना, अहंकार से वो सिग्नेचर लेता है। फिर ये सारा इंद्रिया मतलब प्रजाए जो भी है, कान है, आंख है, नाक है, मुख है, जो भी आपको देखने में आ रहा है वो सब कार्यान्वित में आता है। लेकिन ये पूरा इतना जो सुना है ना, इसको एक नाम देते हैं अंतकरण। क्या है नाम, अंतकरण। ये अंतकरण में जो हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, मन के द्वारा विचार आ रहा है, बुद्धि द्वारा डिसीशन हो रहा है, और अहंकार उसको सिग्नेचर कर रहा है, ये सबसे भी एक शक्ति है जो जानने का देखने का काम करता है, उसको आत्मा कहता है। इसको ही बाबा हमको बहुत पुण्यों में बोलते हैं, आप लोग साक्षी पन के सीट पर बैठो। हम क्या कहते हैं, साक्षी मना कोई कुछ करेगा, मैं तो साक्षी हो गया, कुछ कर रहे करते रहे मुझे, ये नहीं साक्षी। साक्षी का मतलब क्या है, आपके अंदर जो जो डिपार्टमेंट्स चल रहा है इसको कहते हैं अंतकरण, इनर मैकेनिज्म। ये मन का डिपार्टमेंट अलग, बुद्धि का डिपार्टमेंट अलग, चित्त का डिपार्टमेंट अलग, अहम का डिपार्टमेंट अलग। इसी को भगवत गीता में भी कहते हैं, सर्व धर्मानि परित्यज्य मामकं शरणं व्रज। इसका मतलब क्या है, तुम सब धर्मों को छोड़ने तक तुम्हारे धर्म में नहीं आ सकते हो, तुम्हारा धर्म एक ही है, तुम्हारा धर्म में टिकना। तुम्हारा धर्म क्या है, तुम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो। ये सब जो भी हो रहा है, ये सब भी कार्याचरण में आ रहा है, ये सब भी अपने अपने धर्म में है प्रकृति के। अभी देखो आंखों का धर्म क्या है, देखना, वो कभी वासना लेने का काम करता है। कानों का धर्म क्या है, सुनना, वो कभी सुनने का काम करता है, कोई चीज को वो खाने का काम करता है नहीं। हर चीज का भी अपना धर्म है, लेकिन आत्मा का धर्म क्या है, आत्मा का धर्म क्या है, अपने जागृति में रहना। आत्मा अर्थात जागृति स्वरूप, आत्मा देखने का स्वरूप नहीं। कई लोग कहते आप आत्मा को दिखा सकता है, मैं बोलता हूँ आप लोगों को ऑक्सीजन को मानते हो, हाँ ऑक्सीजन को दिखाते हो, नहीं दिखा सकते, फिर कैसे मानते हो, उसके बिना जीना नहीं होता है। आत्मा को परमात्मा ऑक्सीजन जैसा है, वो उसको देखने नहीं जा सकता, लेकिन उसके बिना जीना नहीं होता है। ऐसे ही आत्मा जो है वो ज्ञान प्रकाश, आत्मा ज्ञान का प्रकाश है, वो आंखों से दिखने वाला चीज नहीं। अभी आपको एक क्वेश्चन पूछता, ये सूरज जो है ना भाई लोग, सूरज, वो सूरज को आप कैसे देखते हो। अभी जो भी चीजें आपको देखने में आता है किस प्रकाश से आप देख रहे हो, सूरज के प्रकाश से। और सूरज को कैसे देखते हो, आंखों से। तो रात 8 बजे को मुझे दिखाई दो सूरज, आप कहते हैं आंखों से दिखा देखते हैं, तो दिखाई देखेंगे। सूरज को कैसे देखा जाता है, सूरज के उपस्थिति में दुनिया को देखा जा सकता है। फिर सूरज को कैसे देखा जा सकता है, कैसे देखा जाता है, सूरज के प्रकाश में ही सूरज को देखा जाता है।
सूरज के प्रकाश से दुनिया को जैसे देखते हैं, वैसे ही सूरज के प्रकाश से सूरज को भी देखा जाता है, वैसे ही आत्मा के प्रकाश से हम सब कुछ देखते हैं। तो आत्मा के ज्ञान से ही आत्मा को देखा जाता है, इसीलिए रोज मुरली हमको आत्मा का प्रकाश। आत्मा अनुभवी गामिनी, अनुभव स्वरूप। आत्मा कोई ऐसे चीज नहीं जो हम किस आंखों से देखने का है, इट इज एक्सपेरिमेंट स्वरूप। इसलिए आत्मा को विज्ञान स्वरूप कहा जाता है। आत्मा को कौन सा स्वरूप कहा जाता है? विज्ञान। विज्ञान को जब तक हम समझते नहीं तब तक अज्ञान हमसे दूर नहीं होता। इतने लंबे लंबे क्लास सुनते हैं, इतने लंबे लंबे योग करते हैं, इतने 40-50 साल में, देखो अभी ये क्या है, मिट्टी है। इस मिट्टी में एक ही एक छोटा सा एक मिट्टी लिया, इसको कण कह सकते, कण कह सकते। ओके, अभी इस कण का साथ कुछ कुछ चीजें भी मिक्स हो गया है, ये प्रकृति से कनेक्ट हो करके कुछ पत्थर मिक्स हो गया, कुछ बाहर के डस्ट मिक्स हो गया, सब कुछ मिक्स हो गया, फिर भी ये मिट्टी है। इस मिट्टी का अपना ही एक गुण होता है, अपना ही एक धर्म होता है ना? ये क्या है? चावल। एक चावल का एक ही एक दाना लिए जाए तो इसका अपना गुण और धर्म अलग है या नहीं? नहीं या नहीं है। अब इस एक चावल के दाने को लेकर के मैं इस मिट्टी में डाल करके पूरा रीति से मिक्स कर दिया, क्या दोनों एक हो जाता है? दोनों एक हो जाता है। आपके पास एक क्या बोलता है, बस्ता 100 kg एक कुंटल का बोरा, वो बोरी में, मिट्टी की बोरी में एक ही एक दाना आप डाल दिया तो ये दाना और मिट्टी दोनों एक हो जाता है? नहीं। तो इसको अलग कर सकते हैं क्या? इसको अलग कर सकते हैं? नहीं होता, नहीं होता, होता कैसे करना? फिल्टरिंग करो, क्लीनिंग करो, मिशन में डाल करके उसको सब तरह से भी कुछ भी साधना है उस साधना से उसको अलग किया जाता है। हाँ, जब आपको इतना क्लियरली अंडरस्टैंड है, इतना क्लियरली समझ है, ये मिट्टी के साथ एक बस्ता, एक कुंटाल के मिट्टी में एक चावल के दाना मिक्स नहीं हो सकता, ये शरीर किससे बना है? मिट्टी से। एक दिन ये मिट्टी में जाता है, नहीं जाता है मिट्टी से। ये 50 किलो हो, 60 किलो हो, 80 kg, 90 kg हो, ये सब पूरा शरीर भी कणों से बना है, नहीं, एक एक कण से ही ये शरीर बना है। तो इसमें आत्मा एक कण है या नहीं है? तो आत्मा इस शरीर रूपी बोरी में है, इस शरीर रूपी बोरी में है, इस शरीर रूपी बोरी में आत्मा है। तो इसको अलग करने का फिल्टरिंग क्या है? फिल्टरिंग क्या है? तो है मुरली। रोज बाबा हमको क्या कहते हैं, बच्चे आप आत्मा, आप आत्मा, आप आत्मा। कईयों को ऐसे सिर दर्द, बाबा कितने साल से बोल रहे हैं ये भी सीढ़ी का पाठ, अभी पूरा नहीं हुआ। क्यों पूरा नहीं हुआ? क्योंकि हम बाहर आए ही नहीं ना, हम शरीर रूपी बोरी से आत्मा को अलग किया ही नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? इसी के कारण भगवान हमको रोज कहते हैं आप आत्मा हो, आप आत्मा हो, क्योंकि हम जैसे ये दाना इस मिट्टी में चिप गया है, ऐसे इस शरीर रूपी कणों में आत्मा चिप गया है, देखने में नहीं आ रहा है। ये देखने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान का रोशनी। इस ज्ञान की रोशनी से आपको क्या देखना है? आत्मा को। आज आपको वो आत्मा का साक्षात्कार करा देंगे रोशनी से। समझ में आ रहा है? दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। ये क्या है? पानी है। इस पानी कौन सा रूप में है? द्रव्य रूप में है या नहीं? द्रव्य रूप में, लिक्विड।
ये क्या है? तेल। ये तेल कौन सा रूप में है? द्रव्य। इसका अपना गुणधर्म है, इसका अपना गुणधर्म है। अभी इसको मैं इसके साथ मिला करके दोनों को एक कर सकता हूं, दोनों को एक कर सकता हूं, होता है। अभी आपको पानी और तेल सेपरेट देखने में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? दोनों मिक्स हुआ, दोनों को एक करने का हुआ। आपको कितना अच्छी तरह से नॉलेज हो गया कि पानी का धर्म पानी नहीं छोड़ता है, तेल का धर्म तेल नहीं छोड़ता है। तो दोनों अलग होके ही साथ में रहते हैं। तो ऐसे हमको भी क्या हो जाता है, ये शरीर में आत्मा का एक चेतना जो है वो भी एक कण है। ये शरीर के कण से मिल करके वो भी दूसरा रूप आ गया है, लेकिन उसमें आत्मा अलग होता है, शरीर अलग होता है। जैसे ये बॉटल होता है, अभी ये बॉटल बोले तो एक चीज है या इधर दो चीज है? बॉटल एक चीज है या दो चीज है? एक या दो? एक सेकेंड, एक है क्या? एक है क्या? कैप अलग है, बॉटल अलग है, लेकिन कैप डालने पर आपको कैसा लगता है? समझ में है? तो आत्मा क्या है इसमें? एक कैप जैसे क्या हो गया, अंदर अंदर है, लेकिन आत्मा तो अलग है। आत्मा तो क्या है? अलग है। हम क्या समझ लिया? एक है। ये है अज्ञान। इस अज्ञान से दूर करने के लिए बाबा हमको मुरली में क्या कहते हैं? आत्मा समझो। ये ज्ञान का प्रकाश है, ये ज्ञान का प्रकाश है। ये ज्ञान का प्रकाश का मतलब है आप अपने जागृति स्वरूप में टिकना। कौन से स्वरूप में टिकना? कौन से स्वरूप में टिकना? जागृति। अभी किसी को इधर बैठे बैठे कोई भी आकर के कुछ गाली दिया तो दुख का फील होता है, होता है। क्यों फील होता है? क्योंकि एक समझ लिया। जब ये समझ आ गया, ये तो मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये जो भी बोल रहा है मेरे पड़ोसी रूपे, पड़ोसी रूपे आपका नाम लीजिए, पड़ोसी को बोल रहा है। मैं अपना गुण में रहना, मैं अपने जागृति में रहना, वो आत्मा का ऊपर का स्टेज में लाता है। जब मैं दुख का फील करता हूं, जब मैं उस बात को अंदर लेकर के चिंता करता हूं, तो मैं किसको चार्ज कर रहा हूं? अहंकार को चार्ज कर रहा हूं। तो आत्मा को जब डिस्कनेक्ट कर दिया तो कौन चार्ज होता है? कौन चार्ज होता है? कौन चार्ज होता है? अहंकार।